रूस के ताबड़तोड़ हमलों को देखते हुए लगता है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने के अपने मंसूबे को पूरा करके रहेगा। अब रूस ने यूक्रेन के एक और शहर चेर्निहाइव पर मिसाइल हमला कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक चेर्निहाइव में 3 विस्फोट हुए जिनमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 3 बच्चों सहित लगभग 60 लोग घायल हो गए हैं। रूस के इस हमले में यूक्रेन की इमारतों, कारों और नगर निगम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के लगातार हवाई हमले तेज होने के बाद यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए अपील तेज कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर यूक्रेन को पर्याप्त एयर डिफेंस हथियार मिले होते और रूस का मुकाबला करने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन होता तो ऐसा नहीं होता। दरअसल यूक्रेन को अपने पश्चिमी सहयोगी अमेरिका से मदद की पूरी उम्मीद थी और वो पिछले काफी समय से अमेरिकी मदद की आस लगाए भी बैठा है क्योंकि वर्तमान में यूक्रेन को मदद की तत्काल जरूरत है। यूक्रेन अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की मदद के लिए अपने पश्चिमी सहयोगियों को लंबे समय से मनाने में जुटा है, कई बार मदद की गुहार भी लगा चुका है लेकिन अभी तक उसे मदद नहीं मिल पाई है। यूरोपीय संघ भी यूक्रेन को समय पर हथियार नहीं भेज रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने रविवार को कहा कि वो इस सप्ताह यूक्रेन की मदद से जुड़े लगभग 60 अरब डॉलर के पैकेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये वही पैकेज है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को देना चाहते हैं लेकिन रिपब्लिकन सांसदों के विरोध के चलते ये फंड यूक्रेन को नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि अगर यूक्रेन को मदद मिलने में और अधिक देरी हुई तो फिर उस पर होने वाली रूस की बर्बरता को रोकना बहुत कठिन हो जाएगा। अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक ने भी कहा है कि अमेरिकी सहायता के बिना यूक्रेनी सैनिकों का युद्ध के मैदान में टिके रहना मुश्किल है। वैसे तो रूस की तुलना में यूक्रेन के पास बहुत कम हथियार है। अब सीमित हथियारों से युद्ध लड़ने में यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल भी गिर रहा है और सैनिकों को जवाबी हमला करने की जगह खुद को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने भी पिछले हफ्ते ही कहा था कि वो यूक्रेन को एक और अमेरिका निर्मित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस मिसाइल प्रदान करेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये डिलीवरी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय में यूक्रेन के लिए समर्थन का एक वास्तविक संकेत है। इन सब के बावजूद वक्त रहते और यूक्रेन की सामरिक जरूरत के मुताबिक तत्काल मदद ही यूक्रेन को इस मुश्किल की घड़ी से निकाल सकती है, वरना तो दिन ब दिन उसकी कमजोर होती जा रही स्थिति साफ नजर आ रही है।